हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आलू का सैंडविच। तो यहाँ मैंने आलू लिए हैं, अब मैंने मैश करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ लिया कढ़ाई, इसमें डाला मैंने सरसों का तेल, इसको मैं गर्म करूँगी अच्छे से। यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम जीरा, हींग, अब डालेंगे अपने आलू मैश किए हुए। अब जाएंगे सूखे मसाले, तो मैं लूँगी अमचूर, सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, नौबा चटनी, अब जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू में। यहाँ मैं आलू अच्छे से मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब मैं ढक दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, गैस सिम कर दूँगी। 5 मिनट्स हो गए हैं, आज चेक करते हैं उसको। ये हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया, धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे धनिया को आलू में। ये हमारी स्टफिंग मतलब बिल्कुल तैयार है सैंडविच की। यहाँ मैंने दो ब्रेड के स्लाइस, अब मैं इस पर लगाऊंगी बटर। यहाँ मैंने बटर अच्छे से अप्लाई कर लिया है दोनों ब्रेड्स पे। आलू की स्टफिंग, यहाँ मैंने आलू भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया ब्रेड पे। दूसरे बटके मैं इसके ऊपर रख दूंगी। यहाँ रखेंगे पनीर, एक पीस रखेंगे इस साइड। अब दूसरे बैट को इसके ऊपर रख देंगे ऐसे ही। मैं एक प्यार और तैयार कर लूँगी, दूसरा प्यार तैयार कर लिया है। होंगे बटर, यहाँ रख दूँगी अपना सैंडविच। अब लगाएंगे इसको घी, यहाँ मैंने बटर मेल्ट करके इसके ऊपर लगा दिया ब्रेड के ऊपर। अब मैं इसको कर दूँगी बंद और ग्रीन लाइट होने तक का वेट करते हैं। फ्रेंड्स, लाइट ग्रीन हो गई है, चेक करते हैं एक बार। देखिए बहुत क्रिस्पी बना है, बहुत टेस्टी। अब इन्हें बाहर निकालते हैं इससे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सैंडविच मेरे बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ मैं ग्रीन चटनी बनाई है और ये सॉस, इससे आप भी खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।